पुलिस जिला नवगछी अंतर्गत विगत 2 जून को लगातार 4 लूट की घटनाओं के बारे में नवगछी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को हुई सभी घटनाओं को एक ही गिरोह के अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हो गया है। इसके साथ ही इस गिरोह के कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही साथ लूटी गई कई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोली भी बरामद की गई है। इसके अलावा घटना के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल को भी जब्त किया गया है। यह जानकारी देते हुए नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि 4 अपराधियों ने सबसे पहले खरीक थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया, इसके बाद वे गोपालपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद नवगछिया 0 माइल के पास एक घटना को अंजाम देने के बाद फिर मकनपुर चौक की और एक घटना को अंजाम दिया गया। इस सारी बातों का खुलासा गिरफ्तार अपराधियों के बयान के आधार पर ही किया गया है। इस क्रम में पचगछिया निवासी बाबुल शर्मा, भवानीपुर निवासी भवेश कुमार और लतरा निवासी बम यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना में शामिल एक अपराधी अब भी फरार है, इसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। इसके अलावा अन्य घटना में शामिल भीमदास टोला रंगरा का निवासी रोहित कुमार तथा लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर निवासी शंभू यादव और मिथिलेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अन्य पहले की लूट घटना में गुरुदेव मंडल को कंचनपुर कदवा से पुलिस की गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका इलाज भागलपुर में चल रहा है। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी करने के दौरान लूटी गई एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक प्लेटिना बजाज की मोटरसाइकिल तथा एक ग्लैमर मोटरसाइकिल, साथ ही साथ एक ब्लू रंग की अपाची बाइक भी बरामद की गई है। सभी की छानबीन जारी है। उसकी गिरफ्तारी होती है अपने घर से, उसके पास आप ये देखिए, ये लोडेड ये कट्टा और ये 24 लतरा घर से ये 24 कारतूस लोडेड था, 25 उसके पास ये है बरामद होता है। फिर वो बोलता है कि भाई पूछताछ किया गया, कहा कि हाँ एक जो लूटी हुई गाड़ी थी, हम लोग एक सोनैया भैया है दहरा गांव के पास में, वहाँ मिला। वो कौन सी गाड़ी थी? वो टाउन थाने का जो गाड़ी लुटा हुआ था ग्लैमर, वो बरामद टोल प्लाजा पास, यानी कि 3 हाँ टोल प्लाजा पास, यानी कि जो लगातार वो लूट किया जिस गैंग में 4 लोग शामिल थे, इसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई, 1 फरार है, मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब आता है कि बात लूटी गई राशि के बारे में। अब जो ये गोपालपुर में जो कंप्लेंट ने लिख दिया 50,300 रुपया की लूट, उसके साथ लूट क्या क्या हुआ, प्लेटिना जो काला रंग का गाड़ी था वो और मोबाइल ले गया, पैसा उसका लूट नहीं हुआ था। इसे किसी ने कहा कि पैसा बताओगे तो पुलिस ज़्यादा संवेदनशील रहती है, उसको पकड़ेगी। तो जिसके ये बोला कि मैं पैसा ससुर जी से लाया था, तो ससुर जी बोला ना वो आए थे जंतर मंतर लेके गए, कोई पैसा लेके नहीं गए। खैर मैं इसको बहुत ध्यान। दूसरा जो खड़ी वाले थे, उन्होंने कहा कि 20,000 राशि लूटा गया, उन्होंने पूछताछ किया ना, तो जो अपराध